नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह सरकार नगर परिषद के चुनाव में कायस लगाया जा रहा है, दिसंबर में चुनाव होगा, ऐसे में आशा देवी जो चेयरमैन प्रत्याशी है, वार्ड संख्या 6 के निवासी है, इनका जो हस्बैंड है श्याम कुमार सिंह और बैद जी समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आशा जी को अपनी जीत के प्रति कितनी आशाएं हैं, क्या इनकी तैयारी है, क्या कुछ लग रहा है। अभी तक तो महिला कैंडिडेट में अकेली प्रत्याशी नजर आ रही है, हालांकि लोकतंत्र कोई भी बीच में कूद सकती है महिला प्रत्याशी भी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये फील्ड में है, जिस तरह से जनता से लगातार इनका जुड़ाव है, क्या कुछ आशाएं इनके दिल में है, कैसा कैसा हलचल हो रहा है, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ इनके साथ कैसा है। मैडम, चुनाव की तारीख लगभग दिसंबर में होना है, तो क्या तैयारी है आपकी, क्या लग रहा है? पूरा जोर शोर से तैयारी, तो गर्दा पूरा तैयारी कर रहे हैं। पूरा गर्दा गर्दा है, गर्दा गर्दा है, पूरा गदगदा है, पूरा गदगदा है, पूरा छाया, पूरा गदगद है। अच्छा, पूरा भाई बहन लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सभी नौजवान युवक मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, अभी तक कोई महिला प्रत्याशी नहीं है मैदान में, आप अकेली हैं अभी तक, आज तक, तो क्या लग रहा है आपको, आप कैसा लग रहा है जी? महिलाओं खास करके देखिए, हम बार बार सवाल उठाते हैं कि आपकी ये जो झाझा नगर पंचायत है, सड़कों की दशा बहुत खराब है, और जो राशन कार्ड की समस्या थी, सब कैसे गरीब से जुड़ पाएंगे आप? गरीब से जुड़ना है मेरा प्यार है, प्यार है, जहाँ प्यार मिलता वहाँ गरीब, अभी सभी जुट जाते हैं, तो मेरा है कि पहला में मैं महिला प्रत्याशी हूँ और हर महिला से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो इसी कारण से मैं हर महिला को साथ रहने के बाद हर अपना घर का समस्या बताते हैं, तो मैं हर कोशिश करेंगे कि जहाँ तक होगा वहाँ तक हम सपोर्ट करेंगे, और जहाँ तक होगा रोड का मैं पूरा झाझा को बदल कर रखेंगे। जिस तरह मैडम हमने कई बार देखा है, जब आप जाती हैं महिलाओं के बीच, तो उन लोगों के बीच अजनबी आप नहीं रहती हैं, एक घुल मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं आपका अपना संस्कार है, क्या मैं सही हूँ? एकदम बिल्कुल सही है ना, तो वहाँ से लगता है कुछ पॉजिटिव आता है आपको कि नहीं, हमको यहाँ सपोर्ट मिल पा रहा है? हाँ, पूरा सपोर्ट है, महिला लोग का पूरा सपोर्ट है, और भाई लोग को भी पूरा सपोर्ट है, नौजवान युवक को भी। जिस तरह से आप जाती हैं, महिलाएं पूरी तरह घेर लेती हैं, वो तो लगता है मेरा सब अपना है, जीत के बाद भी वही प्यार मिलेगा लोगों को, वही प्यार मिलेगा, और वही प्यार हम भी चाहते हैं उन लोग से, और वो हम चाहते हैं वो हमको उतना प्यार दे, हम भी उनसे जहाँ तक होगा उससे कोशिश करेंगे और बढ़कर प्यार मिले, क्योंकि मेरा हाथ में जब पावर आ जाएगा तो हम बहुत कुछ झाझा के लिए करेंगे। वैदी, जिस तरह लगातार आप फील्ड में है, लगातार कई प्रत्याशी सभी सुस्कार है, लेकिन आप लगातार फील्ड में जुड़े हुए हैं, कैसा कहेंगे? हाँ, हम तो लगातार चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे, और जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से पूरा अनुभव है कि सब लोग इतना उत्साह जगा हुआ है कि बैद जी इस बार चेयरमैन में आए हैं, बहुत खुशी का माहौल बन गया झाझा में, और लोग चाह रहा है कि इस बार बैद जी, सिर्फ जगह जहां भी जाएंगे तो बैद जी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं इस बार बैद जी चेयरमैन में, फुल एंड फाइनल, पूरा जग जग, एकदम जग जग, पूरा झाझा जिधर घूरेंगे बैद जी, बस शुभकामनाएं आपके साथ हैं।